छोरा शहर की गोरी she's hot she's one in a million महा लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे ना जाने कहां से हाय रब हुआ ओ काग जब हुआ ओ हाय रब हुआ काग जब हुआ जब 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 लब हुआ काग जब हुआ जब लब हुआ काग जब हुआ जब लब हुआ काग जब हुआ जब लब हुआ रुक क्यों गई? डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? अगर उसने ना कह दिया तो? अरे एक बार बात तो करके देखते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो जमीन? ज्यादा से ज्यादा मना करेगा ना, ये जमीन ना सी कोई और से। पहले से ही मन में शंका लेके जाना अच्छी बात ना है। और वैसे भी हम जो कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं ना, देखना सब कुछ ठीक होगा। चलो ठीक है भगवान जी, प्लीज प्लीज हमारी हेल्प करना। चलो चलो। सोमनाथ भैया, ओ सोमनाथ भैया, अरे रघुआ, अरे रघुआ, अरे यान का रास्ता कैसे भूल गए? आओ 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 भैया, आओ आओ। अरे ये का भैया, आए भी तो खाली हाथ, लड्डू कहाँ है? और तुम का समझ रही कि घर में लल्ला होने को है और मोहल्ले में हल्ला भी ना होगा? अरे भगवान, जब बोलन शुरू करत हो तो फटे जूते की तरह पहला चली जातो, पहला चली जातो, तन चुप रहो। कहो भैया कैसे नान हुआ? बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आप लोगों का हाल चाल पूछते चले। क्या बात है भैया, कछु परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तुम लोग बैठो, हम तुम लोगों के लिए सौंफ का शरबत बनाए लाते हैं। हाँ? जल्दी लाना। हाँ हाँ। कि आपकी एक जमीन है ना वो पुराने टीले के पास। वो जमीन, अरे वो तो बंजर जमीन है भैया। हम वो जमीन खरीदना चाहते थे। खरीदना चाहते हैं? कल्ले बात, अरे भैया अब तुम हो अपने, हम तुमको मने कैसे कर दें? ठीक है, थोड़ा हमरा ही नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, हम वो जमीन तो का 100,000 में दे देंगे। मगर रघु भैया, तुम वो जमीन पर कौन सी खेती करोगे? नहीं, खेती नहीं करने वाले, असल में हम वहां ढाबा खोलना चाहते हैं। ढाबा? मतलब ज्यादा रुपया? अब हम तो का नहीं छोड़ेंगे रघु भैया। अरे भैया, हम भुलक्कड़ प्रसाद शास्त्री बनते जा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे हुआ नहीं भैया, अभी हो ही जात। अरे हम तो भूल गए थे कि कल ही तो एक आदमी हमको ऊ जमीन का 2,00,000 रुपया का ऑफर दे के गया था। लेकिन तुम घबराओ नहीं। नहीं घबरा भैया, अरे हमने ई जुबान तुम का दे दी है, अरे वो जमीन हम तो का ही देंगे और हम 2,00,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेंगे तो से। इससे पहले इस भुलक्कड़ प्रसाद को कुछ और याद आ जाए। ठीक है, तो 2,00,000 में बात खत्म करते हैं। मैं क्या कह रही हूँ? 2,00,000 में बात पक्की? बात तो पक्की, लेकिन रुपया कहाँ है? अब पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम? वो क्या है कि अभी हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इसका भी एक रास्ता है। वो क्या है कि पहले हम आपको थोड़े पैसे दे देंगे और धीरे धीरे पैसे देते जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स में।
जैसे बैंक लेता है किश्तों में। प्लीज मान भी जाइए ना, देखिए इसमें हम दोनों का फायदा है, ऐसे हम आपके पैसे भी चुका पाएंगे और हमारा काम भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल अब के लिए हम आपको बस 30,000 दे सकते हैं। 30,000? ना 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 ना, हम ऊ का 1,00,000 रुपया से 1 रुपया भी कम ना ही लेंगे। हाँ ठीक है, 1,00,000। वो तो भैया तुम अपने हो इसलिए हम मान गए, वरना 1,50,000। धीरे धीरे चुका देंगे ना, आप विश्वास कीजिए। अरे भैया कैसे कर ले विश्वास, अरे आजकल का जमाना बहुत खराब है, कछु ऊंच नीच हो गई तो, हमरा रुपया डूब गया तो। ठीक है लिख कर दे देंगे आपको, अगर 1 साल में हम आपके पैसे नहीं देते तो आप हम पर केस कर देना। अंकल प्लीज इतना सोचिए मत, हाँ कर दीजिए ना। ठीक है, आप लोग इतना कह रहे हो और ये लिखा पढ़ी की बात हमरे ई दिमाग में आई गई है तो ठीक है। तो सौदा पक्का? पक्का, 16,15,000 पक्का। पर बेटा हमें ये बात समझ में ना आ रही है कि रघु इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएगा। अरे जानकी तो का पैसों की पड़ी है, हमें फिकर हो रही है सहरी बिल्ली की, ऐसी हालत में वो ये सब काम कैसे करेगी। लो हमारी बात को ना सुनी ना रहा है। अरे जब पेट में बच्चा होता है ना तो बाहर की अला बला से बचा कर रखते हैं। पंडित जी काहे ना समझा रहे हैं आप। अरे माते धजिया तू चिंता काहे कर रही है, जब तेरा आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं होगा। और अम्मा तू भी चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। या व्हाई नॉट, आनिया तो उसमें एक्सपर्ट है। अम्मा तू हमारे साथ है ना? अरे तेरे साथ तो हमेशा ही है बेटा हम। तो बस, और दधिया तू? अरे तोरी बात पे कभी हमें शक हुआ है का? हमें तो बस सहरी बिल्ली की फिक्र हो रही है और अपने बिल्लू की। बिल्लू? बिल्लू 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 दादी, ये बिल्लू कौन है? हमने ना अपने पड़पोते का नाम रख लिया बिल्लू, बिल्लू कहकर पुकारेंगे हम। कैसा नाम है पंडित जी? बहुत अच्छा है, बिल्ली और बिल्लू। पंडित जी आपको क्या लगता है जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो सही है? बस पंडित जी इस वक्त तो हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अरे बोलो शंकर भगवान की जय बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, ये कहने वाली कौन सी बात है। जहाँ तक रघु बेटा तुम्हारा सवाल है, तुम्हारी कुंडली तो हम देखे हैं, उनके हिसाब से तुम्हारे लिए खेती बाड़ी अति उत्तम है। और बिटिया की बात है तो बिटिया तो आई ऐसे परिवार से कि जहाँ पर व्यापार हमेशा से चलता चला आ रहा है, तो इनके लिए तो व्यापार उचित है उचित है। हो ही नहीं सकता। क्या कहना क्या चाहती हो तू? Very simple. बिजनेस कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए दिमाग चाहिए। दिमाग? You know ना brain? I'm very sorry to say कि अनिया में दिमाग नाम की तो कोई चीज ही नहीं। बहुत बढ़िया दिमाग लगा भाई तुम दोनों, हम तो कह रहे इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अरे रंगीला जी इतनी सोचिए विचार कीजिए, गांव में एक ढाबा खुल जाएगा, बरसा ऋतु जो है पूरे गांव को जो है भिगो देगी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, ऊ के बीच में एक ढाबा, ढाबे के भीतर जो है चाय और पकौड़े हैं। सारे पकौड़े तुम्हें खा लोगे तो गाग का खाएंगे हवा। बहुत मजाक, समय का सदुपयोग करो तुम लोग, हम तो कह रहे हैं रघु के ढाबा निर्माण में की मदद करो, है ना? बस अगर आप सबका साथ हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम ये ढाबा जरूर चला पाएंगे। अब रघु भैया हम सोच रहे थे कि ये जो ढाबा बन जाएगा उसके उपरांत ही हम इसमें कार्यरत रहेंगे। वाह मेरे लाल वाह, अब तो ले दे के यही देखना रह गया था कि हमारा बेटा जाके वहाँ ढाबे में रसैयागिरी करे। अरे पिताजी आप समझ नहीं रहे हैं, हम वहाँ जो खाना थोड़ी पकाने वाले हैं, हम तुझे गले पर बैठेंगे, वहाँ जो है धन गिनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय बेटा, अब पंडिताई छोड़ के तू बनिया गिरी करेगा? पिताजी देखिए तरीक हमारी बात सुनिए, हमारे लिए द्रगु भैया का ये जो ढाबा है ये सर्वोपरि है और हम जो है उस ढाबे में कुछ भी कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, देखो जहाँ तक सवाल है ढाबे की व्यवस्था की तो हम संभालेंगे, वो क्या कहते हैं मैनेजर हो जाएंगे हम, इधर उधर जा 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 के लोगों को पकड़ पकड़ के लाएंगे, ग्राहक बनाएंगे उनका। अब भैया सफाई व्यवस्था हम देख लेंगे है? अरे तो फिर देर किस बात की है, बिगुल बजाइए और कार्य आरंभ कीजिए।
देखिए आने जिमका कह रहे थे कि ये जो चाय और पकोड़े से जो है ढाबा नहीं चलेगा, ई के साथ जो है इमरती होनी चाहिए, जलेबी होनी चाहिए, रसगुल्ले होने चाहिए एवं समोसे, क्या कहती है? ओह गॉड, इस ढाबे के चक्कर में भोला तो मुझे टोटली भूल गया है। हर समय ईशा ईशा करने वाला भोला अब मेरी तरफ देखता तक नहीं है। उसके पास मेरे लिए कोई फुर्सत ही नहीं है। ठीक है, तो मेन्यू बनाने से पहले मीनू कौन है और उका करेगी? मेन्यू का मतलब है कि ढाबे में क्या क्या खाना मिलेगा उसकी लिस्ट। समझ गया समझ गया, हम बताते देखो शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्लास काहे से, दाल से। और दाल नहीं, कई दालें बनेंगी, चार पांच, काहे कि दाल जो होता है राष्ट्रीय भोजन होता है। और उसके अलावा मिठाई बहुत जरूरी है थाली में। मिठाई थाई गाजर का हलवा नहीं होगा, कद्दू का हलवा होगा, समझ गया? अरे भैया अगर रायता ना हुआ तो क्या फायदा भैया, देखो अब वो भी दुनिया से अलग है। देखो बूंदी का, कद्दू का, लौकी का, बथुए का, सारा रायता मिला के एक पंचमेल रायता बना देंगे। और गाजर का हलवा, सूजी का हलवा, दाल का हलवा, सारा हलवा मिला देंगे और नाम रख देंगे गंदा जमुना सरस्वती। बस 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 बस, आप लोग ने इतना कुछ डिसाइड कर दिया है उसके लिए थैंक यू। थोड़ा बहुत मैं भी डिसाइड कर लूंगी। अब बेटा एक काम करो, सारी चीजें तुम ही सोचो, इनकी भरोसा ना करो। ये भोला की एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वैसे तो बहुत प्यार करता है मुझसे, लेकिन जब भी ये रघु और आन्या उसके सामने आ जाते हैं पता नहीं क्या हो जाते हैं उसे। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा भोला का अटेंशन पाने के लिए। तुम चुप रहो यार, सावधान। ईसा जी, कुछ तो कर, क्या हुआ? ई के पेट में दर्द है सर। अरे पेट में दर्द काहे नहीं होगा, आराम जो नहीं करती। बेटा ये काहे भूल जाते हो कि तेरे पेट में एक और भी जीव पल रहा है। अरे तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाती हूँ मैं। नहीं नहीं काढ़ा नहीं, नहीं जानकी अम्मा आपकी तकलीफ लेती है, मेरा दर्द तो ठीक हो जाएगा। कहाँ ठीक हो जाएगा, अब तू चुपचाप लेट जा, जितना हम कह रहे हैं उतना तुम कर, चलो लेट जाओ, आराम करना पड़ेगा तुझे। लेकिन मैं ठीक। अरे हम कह रहे हैं ना, लेट जाओ चुपचाप। लेकिन अब बिल्कुल बोलना मत। बोला जी। अब तू बाहर जा, इसे बिल्कुल आराम करने दे। जी जाते हैं, हम अभी काढ़ा बना के लाते हैं। ये हुए 20,000, इनको भी मिला लेते हैं। ये सब मिला के बने 30,000। बात है बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं अम्मा, कुछ ठीक ना है, सब जोड़ जा के केवल 30,000 रुपए बने, अभी भी 70,000 रुपए बाकी। समझ नहीं आ रहा मेमनी को कैसे बताएं। ये तो बहुत बड़ी रकम है, कैसे इंतजाम कर पाएगा तू? इंतजाम तो करना पड़ेगा अम्मा, इस पर हमारे होने वाली परिवार की खुशियां निर्भर करती है। वैसे भी परिवार बढ़ रहा है, केवल खेती के भरोसे तो नहीं जी सकते ना। तू बात तो सही कह रहा है बेटा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हमने सोच लिया, हम अपने खेत गिरवी रख देंगे। का? खेत गिरवी रखेगा? अरे अम्मा तू चिंता मत कर, एक बार काम चल पड़ा ना तो खेत तो हम छुड़वा ही लेंगे और खेत का 3-4 खेत और खरीद लेंगे। हम पे भरोसा रख अम्मा। तुझ पर तो बहुत भरोसा है बेटा, तू जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा, भगवान तुझे सफलता दे। अरे ये काढ़ा तो दे आओ। ईशा, अरे ये तो सो गई। ईशा बिटिया चल उठ, उठ के काढ़ा पी ले। जानकी अम्मा सोने दीजिए ना,
बहुत नींद आ रही है। अरे हम सोने से नहीं मना कर रहे हैं। देख तू उठ के ना आराम से ये काढ़ा पी लेगी ना, फिर बहुत अच्छी नींद आ जाएगी तुझे। देख कितनी पेट में दर्द हो रही थी तुझे। ठीक है। नहीं नहीं बेटा, देख दर्द खत्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से सो पाएगी। आ जा एक ही घूंट में पी ले। आ जा बेटा। ओहो बहुत तकलीफ हो रही है। जानकी माँ मैं सोच रही थी कि अगर जमीन के लिए हम 1,00,000 दे दें तो बर्तन तंदूर फर्नीचर वो सब खरीदने के लिए पैसे बचेंगे ही नहीं, फिर ढाबा कैसे खोलेंगे। देख बिटिया तू बर्तन के बारे में चिंता ही ना कर, हमारे पास ढेरों पड़े हैं। अरे इस गांव के तो क्या अगले गांव को भी खिला सकते हैं हम, और हम इस्तेमाल भी नहीं करते। रियली जानकी अम्मा आपने बस एक चुटकी में मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब बाकी का मैं मैनेज कर दूंगी। अच्छा खाना लाया हूँ। अरे अंदर आओ अंदर आओ जल्दी आओ। प्यारे तुम कितने प्यारे हो, एक तुम ही मेरा ख्याल रखते हो। थैंक यू मैडम। वो बोला है ना वो तो आजकल मेरी तरफ देखता भी नहीं है प्यारे। मैडम ये सब उस ढाबे की वजह से हो रहा है। हाँ लेकिन मैं तो फंस गई हूँ ना, तुम्हें पता है मैं जो भी कर रही हूँ सब कुछ उल्टा जा रहा है। प्यारे जल्दी से कोई ना कोई रास्ता सोचो और मुझे यहाँ से निकालो, पर उस ढाबे का इलाज तुम्हें करके ही रहूंगी। प्यारे तुम जाओ यहाँ से, बहुत सारे लोग हैं, जाओ 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 जाओ। अब किसी को भी मेन्यू के बारे में कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है, वो मेरा डिपार्टमेंट है। बस अब आप सबको मिलकर ढाबे का एक अच्छा नाम चूज करना है। देखिए ना जी एक गंभीर नाम तो हम सोच लिए हैं। कौन सा बोला? देखिए ढाबे का नाम रखेंगे भूख मिटाए ढाबा। ऊ ढाबे के ऊपर एक बोरट लगा होगा, ऊ बोरट पे जो है एक नयू का चित्र होगा पतला सा डेढ़ पसली का है, और उसी के साथ उसी नयू का चित्र एक बार पुनः होगा ढाबे में भोजन करने के उपरांत पेट फुलाए हुए। क्या कहते हैं? टूनी मटर हो यार भोला यार। अरे ढाबे का क्या काम होता है? भूख का पेट भरना। देखो ढाबे का नाम होना चाहिए सीधा साधा, वो देसी ढाबा बस। ये कोई नाम हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे दारू की दुकान। ये ना चलेगा। अरे चुप हो जाओ, हंसा दांत पाड़ के कहा कि खाना जो है वो धीमी आंच पे पकता है, इसलिए हम तो कह रहे हैं कि ढाबे का नाम होना चाहिए धीमी आंच पर पका खाना। अभी बारे में तुम लोग सोचो, हम जरा शरबत बनाते हैं। वो तेजी से बनाएगा। एक नाम हमारे दिमाग में आए रहो भैया बताएं। अच्छा दिमाग में? हाँ। फिर तो तुमका घर जाना पड़ेगा। काए? काए? दिमाग के घर पे रखा है। नाम सुन लो पहले। सुन लो। नाम है सुलगती आग। सुलगती आग? उपन्यास का नाम है क्या? शांत रहिए। I wish this bloody dhaba goes to hell. जमीन के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। सच? लेकिन कैसे? हमने अपने खेत गिरवी रख दिए हैं। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है जिसे हम सबको मिलकर निभाना है। देखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, ये जमीन हमारी है। भूमनाथ कहाँ है? अपनी बीवी से सलाह मशवरा कर रहा होगा हमारे जैसे।
आओ घरे तनाव। ओ देखो देखो दोनों को, हमार वो बंजर जमीन के 2 लाख रुपए दे रही है, और तो और ये दोनों वो बंजर जमीन को किसी भी हालत में लेना चाहिए। अब देखो हम अपनी बंजर जमीन के इन दोनों से कितने एक रुपया इकट्ठे हैं, देखा जाओ। अरे भैया रघु, बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। अरे हमार जमीन 6 महीने के लिए तुम्हार भाई। 6 महीने के लिए? हाँ। हम समझे नहीं आपकी बात। कल्लो बात, ये मैं ना समझने जैसी कौन बात है भैया है? देखो भैया, वो जमीन पर हम 6 महीने खेती करते हैं और 6 महीने नहीं करते हैं। जोन 6 महीने हम खेती करते हैं वो साल में 6 महीने हमार भाई, और जोन हम 6 महीने नहीं करते हैं वो 6 महीने तुम्हार भाई है, है तो सौदा पक्का। अरे ऐसा का देख रहे हो हमका है? अरे सीधी सीधी बात है भैया, इतनी अच्छी जमीन हमने सस्ते दामों पे दे दी है तुम्हें, वो भी आधे दामन पर। हाँ क्या? आपने ऐसा तो नहीं कहा था? This is ridiculous. 6 महीने जमीन लेके हम क्या करेंगे? हमें तो जमीन हमेशा के लिए चाहिए सोमनाथ। देखो भैया, आधे पैसा आधा साल, अगर तुम्हें वो जमीन चाहिए तो भैया पूरा पैसा दे दो और हमेशा के लिए जमीन ले लो। जब लव हुआ।